हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर में गर्मा गर्म पोहे की रेसिपी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत ज़्यादा झटपट चटपटे से बन जाते हैं। वैसे तो ये सबके घर में बनते हैं, लेकिन मैं मेरे घर में किस हिसाब से बनाती हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ पोहा। ये हमें थोड़े से मोटी साइज़ के पोहा लेने हैं और अच्छे से इनको अच्छे से हम लोग 3-4 पानी से वॉश कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे नमक और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, अगर नहीं अभी यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ पर स्किप कर दें। और अच्छे से हल्के हाथ से इसको हमें मिक्स कर लेना है। पहले इसका पूरा पानी हमें निकाल लेना, उसके बाद में ही हमें इसके अंदर हल्दी और नमक को डालना है। और एकदम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल भी पोहा टूटेंगे नहीं। और फिर उसके बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इस पोहा के अंदर। तो यहाँ पर हल्का मैंने इसके अंदर हल्दी डाले थे, इसलिए हल्का कलर आया इसके अंदर। आप चाहो तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पोहे के अंदर अच्छे से कलर आ गया है हल्दी का। तो अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 चम्मच चीनी। आप मीठा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और अच्छे से हल्के हाथ से इसे मिक्स करके साइड पे रख देंगे। और अब कढ़ाई के अंदर लेंगे हम लोग ऑयल और इसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग मूंगफली के दाने। और अच्छे से इन सबको हमें क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पोहे के अंदर मूंगफली के दाने। और अब ऑयल लिया है वापस से मैंने, उसके अंदर डाला है जीरा। अब डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ ज़रूर पोहे के अंदर डालो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का इसके अंदर। और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी राई। और अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग थोड़े से कड़ी पत्ता। और जब ये अच्छे से सब चीज़ चटक जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग इसके अंदर डालेंगे हींग। हींग भी ज़रूर डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हींग का हमारे इस पोहा के अंदर। और फिर जब हींग भी अच्छे से पक जाएगी, तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। और अच्छे से इन सबको हमें सौते कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आपको बारीक चॉप किए हुए प्याज नहीं पसंद है या फिर बड़ी साइज़ में प्याज लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर वो भी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। और अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग बहुत थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने पोहा के अंदर भी हल्दी डाली है, इसीलिए बहुत कम हल्दी इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और अच्छे से इन सबको हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू। आप चाहो तो प्याज से पहले भी आलू डाल सकते हो, और या फिर अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप स्किप कर देना आलू को। और अच्छे से इन सबको हमें सॉफ्ट होने के, अगर आपको यहाँ पर पोहे थोड़े गीले पसंद है तो यहाँ पर आप पोहे के अंदर पानी भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पोहे थोड़े से गीले हो जाएंगे। मुझे पर्सनली पोहे एकदम ड्राई पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाली है 2 हरी मिर्ची। हम इसके अंदर लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो जब हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसके अंदर हमारे पोहे ऐड कर देंगे। और अच्छे से इन सबको मिक्स कर देना है, एकदम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे, तो जिससे हमारे पोहे और जो हमारी सब्जियां और मसाले हैं वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पोहे एकदम खिले खिले तैयार हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और एक बार इसके अंदर डालेंगे मूंगफली। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरावन मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर देना, लेकिन जीरावन मसाला पोहे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अगर आप पोहे के अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ जीरावन मसाला ऐड करते हो, तो भी पोहे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पर जीरावन मसाला के साथ नींबू भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको खट्टा पसंद है तो। लेकिन जब भी नींबू का रस यूज़ करो, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। और जब भी आप सर्व करो तभी उसी टाइम पे नींबू का रस यूज़ करना। और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो मैंने मिक्स कर लिया है। और अब ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और अच्छे से फिर से इनको मिक्स करेंगे। पोहे का कलर भी बहुत अच्छा आया है और कलर के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर एक बार मेरी ये रेसिपी एक बार ट्राई करना, कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसे चलो हम लोग एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे हम लोग बारीक सेव, बारीक जो भुजिया आता है 0 नंबर का, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल की हूँ। अगर आपके पास रतलामी सेव है या फिर कोई और भुजिया है बड़ी साइज़ का, तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं।
ऊपर से आप यहाँ पर अनार भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये पोहा की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे इसी हिसाब से नई चटपटी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, तब तक एंजॉय कीजिए इस विंटर गर्मा गर्म पोहे।